خلص. आज आपके लिए कुछ ऐसा मैथमेटिक्स में लेकर आए हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम किस प्रकार से देखते ही कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ टेक्स्ट और ऐसे कुछ आपके लिए कुछ फॉर्मूलेस लेकर आए हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे करना है हम लोगों को। अब इसमें जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जो अलजेब्रिकली जो सिस्टम है उसमें उसकी हेल्प लेना बहुत ही यूजफुल है। अगर हम अलजेब्रिकली हम सोल्व करें उसको तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत आसान होगा। तो वो आइए देखते हैं कैसे करना है। यस, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, और उस एग्जाम्पल को अगर आप सोल्व करेंगे उसको नॉर्मल वे से तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये नंबर है 0.87 का, ये होल क्यूब है, राइट, और प्लस है आपके लिए 0.13 का होल क्यूब है। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये अपॉन भी है, और ये देख रहे हैं 0.87 का स्क्वेयर है, और बीच में आपका माइनस है 0.87 है इंटू 0.13 है और प्लस 0.13 है। तो इस प्रकार के सम में आप देखेंगे, अगर जिसको नहीं पता है वो बहुत टाइम लगाएगा, वो क्या करेगा, पहले ये क्यूब करेगा, फिर ये क्यूब करेगा और उसका आंसर जोड़ेगा, और नीचे स्क्वेयर करेंगे, फिर इसका 0.3 का स्क्वेयर करें, 0.3 का स्क्वेयर करेंगे और 0.87 इंटू 0.01 3 का हम जो है मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो नंबर है, जो कैलकुलेशन है, कितनी हमारे जो है टाइम कंज्यूम करेगी। और हम लेकिन हम आइडेंटिटी से इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यस, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, ये कैसे आ गया है, अरे ये तो बहुत ही मैजिक है, आंसर कैसे, ये बिल्कुल सही आंसर है जब इतना बड़ा ये। और अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम किसी फॉर्मूले से करेंगे तो वो बहुत ही आसान होगा। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला है वो आप याद करेंगे, ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब, ये फॉर्मूला है, और नीचे है ए स्क्वेयर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। फॉर्मूला एक ही है ऊपर का, और ये तो सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ए क्यूब और बी क्यूब ऊपर लिखे हुए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका जो आंसर है वो होगा ए प्लस बी और फिर जो है ए का स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वेयर, ये इसका होगा। और जो नीचे है वो होगा ऐसे जैसे इसमें लिखा है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ये एस टीज लिखेंगे, और आप देख रहे हैं ये कैंसिल होगा और आंसर आया ए प्लस बी। ए मीन्स आपका यहाँ पर 0.87 है और बी मीन्स यहाँ पर 0.3 है, यानी ए प्लस बी आंसर आया। तो यानी दोनों को प्लस करें तो आपका जैसे 0.87 प्लस 0.13, अगर इसको प्लस करते हैं तो 1.00 आएगा, यानी 1.0 मीन्स 1, तो ये ऐसे आंसर आएगा। देखिए है ना आसान, अगर आपको आइडेंटिटी का ये नॉलेज है तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों को प्लस कर देना है, 0.87 एंड 0.13 को। यस, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के आंसर जो है ये कितना आसानी से ये हम कर पाते हैं। तो आइए और इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं और आप और आइडेंटिटी देखते हैं। मैं यहाँ पर आपके समक्ष ये रखूंगा और क्वेश्चंस देखेगा कैसे। मान लीजिए मैं यह कर रहा हूँ 97.2 का क्यूब है ना, और यहाँ पर है 87.2 है ना, इसका होल क्यूब है, और यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ 97.2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस 97.2 इंटू 87.2। यस, और प्लस में मैं लिख रहा हूँ 87.2 का होल स्क्वायर। यस,
तो ये नंबर है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो चाहे वो बैंकिंग का है चाहे वो रेलवे का है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है RRB 1997 में आया है, तो आप देख रहे हैं इसको अभी आंसर, इसका आंसर आएगा 10 आएगा। यस, इसका आंसर 10 आएगा, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। यस, देखो कितना फैंटास्टिक, कितना जल्दी आपने कर लिया है। आप शायद जज कर रहे होंगे कुछ ना कुछ कि ये कैसे आंसर आया, थोड़ा बहुत आइडिया आपके अंदर आ रहा होगा कि ये कैसे हमने निकाला। तो आइए इसको सूत्र के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखो कैसे होगा ये। ए क्यूब, अब एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला हमने पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का किया था, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करेंगे। ये देखिएगा आप कैसे, ये हुआ ए स्क्वेयर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये एक फॉर्मूला है ऊपर का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, नीचे तो हम एज इट इज लिख रहे हैं। तो आइए देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर क्या होगा। ए माइनस बी, इसको याद रखना है आपका, ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यस, ये इसका फॉर्मूला है, और नीचे एज इट इज लिखा हमने, क्या लिखा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस और आपका है बी स्क्वेयर, राइट। आप ये देख रहे हैं सेम है, ये कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारा आंसर ए माइनस बी है, तो ए क्या है आपका 97.2 है और बी क्या है 87.2 है, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 97.2 माइनस 87.2। यस, तो क्या आंसर आया, 10.0 होता है, यानी 10 आ गया, 10.0 मीन्स 10। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान हो गया है ना। तो आप जो है ये फॉर्मूला याद करें, ए क्यू माइनस बी क्यू का, बस ये आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है, और उसके थ्रू आप देखिएगा मैथमेटिकली जो है कितना सोल्व आप कर पाएंगे। और भी हम इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप भी इस प्रकार के और कंसेप्ट जो है देखें। तो आइए देखते हैं कैसे और करते हैं, और कंसेप्ट हम लेते हैं, जैसे और एग्जांपल में ये आप आइडेंटिटी, ये आए जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है, ये आप अलग से पेज पर एक लिखें, सारी आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज मैं लिखवाने जा रहा हूँ और उनके एग्जाम्पल भी मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तो आप ये एग्जाम्पल समेत और आइडेंटिटीज को जरूर लर्न करें, आइडेंटिटी लर्न हो जाएंगी तो आपको ये सारे सम आ जाएंगे इस प्रकार के, है ना। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, देखिएगा ये इस प्रकार का सम अगर आ जाता है, तो 47 का स्क्वेयर है और इस प्रकार का 2 × 47 इंटू आपका है 20 और प्लस 20 का स्क्वेयर, ये सब है। तो आप अगर इसका आइडेंटिटी नहीं पता है तो बहुत, तो आपके लिए क्या करेंगे, आप 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 2 को 47 और 20 से करेंगे, और 20 का स्क्वेयर करेंगे ऐड और प्लस माइनस करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सीधा इसका आंसर लिखेंगे 27। यस, इसका आंसर 27 आएगा। कैसे आया देखिए, एक आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ए स्क्वेयर माइनस 2 ab और प्लस बी स्क्वेयर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, और अगर इसका सारे का स्क्वेयर रूट ले लें, ये इसका आंसर 27 आएगा, मैंने स्क्वेयर रूट नहीं लिखा था, तो इसका स्क्वेयर रूट ले लें तो इसका स्क्वेयर रूट क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपको पता है ए क्या है बी क्या है, ए क्या है यहाँ पर, ए है 47 और बी क्या है यहाँ पर 20, तो माइनस करेंगे तो ये 27। अगर ये 27 स्क्वेयर रूट नहीं होता तो 27 का स्क्वेयर कर देते, 27 का स्क्वेयर। यस, कैसे, आप जानते हैं क्योंकि स्क्वेयर रूट नहीं होता तो ये स्क्वेयर होता 27, तो ये जो है हम इस प्रकार से करेंगे। तो आइए और हम और सम लेते हैं इस प्रकार से। ये तो आपने प्रॉपर्टी जो है लर्न करनी है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए और इस प्रकार की प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए मैं सम ले रहा हूँ आपका 124 का स्क्वेयर है और प्लस में 2 × 124 है और इंटू आपका 276 है, 276 है, यस 276 है, ठीक है, और आप जो है प्लस 276 का स्क्वेयर है, तो आप इसको सो कैसे करेंगे बताइए। इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जो आंसर है 400, इसका जो है 16000, ये आंसर आएगा देखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ये, तो बताइए आप कैसे आएगा।
यहाँ भी एक आइडेंटिटी लगेगी, एक आइडेंटिटी है आपकी, क्या है वो आइडेंटिटी, ए का स्क्वेयर और प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वेयर, यस ये इसकी आइडेंटिटी है। और इसको जो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में है, ये ए स्क्वेयर हो गया, ये आपका बी स्क्वेयर हो गया और ये टू ए बी फॉर्मेट में है ना, आप देख रहे हैं। और इट मीन्स क्या होगा, ए की जगह ए की वैल्यू है आपका 124 और बी की वैल्यू है 276, और अगर इनको हम जो है प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं देखो क्या होगा, प्लस करते हैं तो आप देख सकते हैं 400 आ जाएगा, 400 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1600। तो आप देख रहे हैं केवल ऐड करना था और टू टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो यू गेट द आंसर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हम आइडेंटिटी से अगर करें तो इसका आंसर डायरेक्ट आ सकता है। तो ये आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है, राइट, ये आइडेंटिटी लर्न करनी है। तो आइडेंटिटी कौन सी है, तो आप लिख लें ये ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यस ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यस। तो ये आप आइडेंटिटी जरूर देख लें, है ना। और भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए मैं नंबर लिख रहा हूं 206 का स्क्वेयर और माइनस 100 का स्क्वेयर, अगर आप करना हो तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है इसका। हम जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, नहीं तो आपको स्क्वेयर करना पड़ेगा दो बार, और जो है इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा सा हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 106 लिख लीजिए, है ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये 206, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, तो 200 एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें, है ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, अगर प्लस किया तो 212 होगा और माइनस करा तो ये हो गया 100, राइट, माइनस किया तो ये आ गया 100 आ गया। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, 21200। तो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मैं यहां लिख देता हूं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या होगा इसका आंसर, हम इसका आंसर लिखेंगे एक बार प्लस करेंगे और ए प्लस बी को और एक बार माइनस करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यस। तो यहां पर आप देखेंगे जब प्लस किया तो 212 हुआ, माइनस किया तो ये 100 आ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक बार प्लस कर दें इनको और एक बार माइनस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, हमें आपको स्क्वेयर नहीं करने पड़ेंगे, बहुत नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वैदिक मैथ से करें तो शायद ये और जल्दी निकल जाएगा सोल्व करेंगे। तो हमें, हमने अपनी वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियोज में इस प्रकार के स्क्वेयर बहुत किए हुए हैं, तो आप उनको वहां पर हेल्प जरूर ले लें। तो आइए हम और कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आप प्रॉपर्टी जरूर लर्न करें, बहुत यूज है इस प्रॉपर्टीज का, हायर मैथमेटिक्स में भी, जो ट्रिग्नोमेट्री में भी, ज्योमेट्री में भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको करिएगा, है ना। तो आइए और देखते हैं, ये सब है मैं जो करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे 47, आप जो है 47 माइनस 17 ये सम है, और आगे देखिए 47 का जो स्क्वेयर है और प्लस 2 × 47 × 17 और आपका प्लस 17 का स्क्वेयर, आप देखिएगा ये भी बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इसका हम जो है क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, ए माइनस बी, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी जरूर याद कर लें, और ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यस ये प्रॉपर्टी है, और इसका आंसर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जो है ए क्यूब मीन क्या हो गया कि 47 का क्यूब, यस, और बी का मतलब क्या हो गया 17 का क्यूब। तो आप जो है इनका क्यूब करेंगे वैदिक मैथ तरीके से, और आपको जो है ये अगर देखना है तो वैदिक मैथ की वीडियोस में, बाकी में क्यूब कैसे किया जाता है वहां जरूर देखें, ताकि जो है बहुत ये ऐसे सम किए हुए हैं ताकि ये क्यूब किए जा सके।
आइए और सम देखते हैं, मैं आपको कुछ और सम कराने जा रहा हूं, तो उन सम को आप देखेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए मैं यहां पर कुछ ऐसे सम ले रहा हूं जिसे आइडेंटिटी का और यूज होना है, तो आइए कुछ और सम करते हैं। तो मान लीजिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर 47 का क्यूब, और मैं यहाँ पर कर रहा हूं प्लस 13 का क्यूब कर रहा हूं, और मैं यहाँ पर कर रहा हूं माइनस 60 का क्यूब कर रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी स्टूडेंट्स हम बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, हमें ये नहीं करना पड़ेगा इसको 3 बार करो, फिर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, इसको 3 बार करो, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखेंगे अगर ये जो ब्रैकेट में है, अगर ए मान ले, दूसरे को बी मान ले, तीसरे को सी मान ले, अगर तीनों का सम 0 आ जाए तो आंसर क्या होगा, तीनों का जो क्यूब है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3ABC। यस, 3ABC, बस 3ABC आंसर आ जाएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करो 3 से, अब देखो क्या सम आ रहा है तीनों का। यस, देखिएगा 47 प्लस 13 माइनस 60। यस, अब देख रहे हैं इनका सम 0 आ रहा है, अगर सम 0 आ रहा है तो ये आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 3ABC, है ना, 3ABC। 3ABC आप जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। 3ABC मीन्स क्या हो गया, 3 × 47 × 13 और × -60। यस, ये आंसर होगा। ठीक है, और हम जो है 13 को 47 से करें, 13 × 7 = 91, 9 और 13 × 4 = 52 और 52 + 9 61, 61 को 3 से और करना पड़ेगा, राइट, और -60 से करना पड़ेगा, तो क्या होगा 331833। यस, है ना, और -60 यानी 6 से और कर दें और 0 लगा दें, 6 × 3 = 18, 6 × 18 + 19 और 6 × 8 = 48, 49 और 6 × 6 = 10, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है हमने केवल तीनों को बस मल्टीप्लाई करने, 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तीनों को मल्टीप्लाई किया। अगर अगर आप बिना प्रॉपर्टी के ये करेंगे तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत इसमें टाइम होगा और एरर के भी ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो हम जो है इसको और करके देखें और ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं। चलो आइए देखते हैं और एग्जाम्पल आपके लिए, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और देखते हैं इसमें इसमें देखते हैं 13 का क्यूब अब लेते हैं, और 13 का क्यूब और प्लस 25 का क्यूब है, तो 25 का क्यूब है, और फिर जो है हम लेते हैं प्लस में माइनस 38 का क्यूब। यस, 38 का क्यूब, 38 का, यह इससे कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम 0 आ रहा है तो हम इसे कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये 0 है तो 3ABC इसका आंसर आ जाएगा, राइट। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है और इसको हम करेंगे, आप इसको और प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर आप लिख लेंगे 30 × 13 × 25 और -38। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर लें 75, 75 को 13 से कर लें और 38 से कर लें, तो मुझे लगता है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए और हम इसके अलावा प्रॉपर्टी और लेकर के चलते हैं, जिससे आपके सारी प्रॉपर्टी से ये समझो आसान हो जाए। तो आइए और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हम लेकर चलेंगे। वो क्या है, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और -3ABC। यस, ये प्रॉपर्टी है, और इसका जो आंसर है वो ये है, ए प्लस बी प्लस सी और आगे है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर -AB -BC -CA। तो ये आपने याद रखनी है, इसका आंसर याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC, और इसके फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज किए हुए हैं तो ये फैक्टर्स बड़े काम आएंगे आपको। फैक्टर्स करने हैं कौन से, दो फैक्टर, इसमें तीनों को प्लस किया है, इसमें तीनों का स्क्वेयर है ये, और यहाँ पर ए बी और बी सी और ए सी है,
तो आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे अगर ये सम इस प्रकार से आ जाता है, देखिएगा ये सम अगर ये आ जाए तो मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ 46 का क्यूब है और प्लस है 14 का क्यूब है और प्लस है 27 का क्यूब है, ठीक है, और -3 × 46 है, × 14 है और 27 है, ये आ गया। और नीचे ये आ गया, मान लीजिए आपके पास क्या आ गया नीचे 46 का स्क्वेयर है, ओके, और आपके पास है 14 का स्क्वेयर है और 27 का स्क्वेयर है, राइट, और क्या है 3 × आगे ए भी है, 46 × 14 है और -14 × 27 है और साथ में है आपका 27 × 46, ये आ गया। देखिएगा ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 87 आंसर लिखेंगे, 87 है ना, 87 आंसर लिख देंगे, यस 87, हाँ 87, देखिए कैसे आंसर आ गया 87, 87 कैसे आंसर आ गया, आप कर सकते हैं, देखिएगा 87 कर सकते हैं ना आप, आंसर बताइए कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी ऊपर लगा दें, ऊपर प्रॉपर्टी लग गई तो इसका जो इस आइडेंटिटी के अनुसार क्या ए प्लस बी प्लस सी, पहला तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ आंसर को पहले और फिर अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आइए कैसे करेंगे, 46 पहला जो है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को प्लस किया और ये जो है तीनों को प्लस किया और ये पहली ब्रैकेट आ गई ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये तीनों को प्लस कर दिया हमने और फिर क्या कर दिया, इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या है? ये है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यानी 46 का स्क्वेयर, ओके 46 का स्क्वेयर है और फिर क्या है और 14 का स्क्वेयर है, मतलब ये जो नीचे जो ब्रैकेट है वही सब सेम आ जाएगा, 46 × 14 है और 14 × 27 है, जो इसके फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे सेम नीचे जो लिखे हुए हैं, और नीचे एज इट इज लिख दीजिए, नीचे एज इट इज क्या है, ये सारा नीचे जो एज इट इज लिख दीजिए है ना, 46 का स्क्वेयर है और आप ये देख रहे हैं 14 का स्क्वेयर है और 27 का स्क्वेयर है ना, और -46 × 14 है और 14 × 27 है और -27 × 46 है, तो ये सारा कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना, और ये आंसर तीनों को प्लस करें तो ये 60 हो गया, 60 + 27 तो 87, ठीक है, तो ये भी सारा करने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझाने की, हमें मन में ये करना है कि भी बस ये ए प्लस बी प्लस सी बचेगा ऊपर और बाकी सारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे सारा कैंसिल हो जाएगा, सो हमें केवल ये देखना है बाई जजमेंट की, और ए प्लस बी प्लस सी ये आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम जो है आंसर निकाल पाएंगे। आइए और देखते हैं, जैसे इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी से हम देखेंगे तो बहुत हमारे जो आंसर जो है इस प्रकार के निकलेंगे, हम इजिली इसको आंसर देखते ही इसका आंसर कर पाएंगे। जैसे एक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 62 का क्यूब है, यहाँ 62 का क्यूब, यस 62 का क्यूब किया और +3 × 62 का स्क्वेयर है और × 38 है और +3 × 62 है और 38 का स्क्वेयर है और यहाँ पर 38 का क्यूब है, तो इसका आंसर क्या होगा बता पाएंगे? तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर जो होगा इसका आंसर ये आ जाएगा, देखो ओरल लिख सकते हो आप, ठीक है ओरल लिख सकते हैं, कैसे आया मैं इसका देख रहा हूं, ये फॉर्मेट क्या है, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये 3ab² है, 3a² भी है, 3ab² है, तो यानी ए क्यूब हो अगर 3a² b हो और 3ab² हो और बी क्यूब हो तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक
ठीक है, ए आपका 62 है और बी आपका यहाँ 38 है। आप देख रहे हैं यहाँ ए जो है 62 है और बी 38 है, तो ये इसका जो है क्यूब आएगा। तो क्यूब ये 100, ये ऐड करें तो 100 हुआ, और 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम टेक्निक से लगा करके, टेक्निक जो टेक्नोलॉजी है ये मैथमेटिक्स की, अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज है, इससे हमारे जो अरिथमेटिक के ये सम जो है बहुत ही आसान हो रहे हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टी जो है लर्न करनी है, प्रॉपर्टीज को देखना है और प्रॉपर्टीज को समझ के करना है, तो करेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं। वैदिक मैथ्स के इनके सब कैलकुलेट करने के तरीके हैं वो मेरी वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत सारी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटीज कैसे बनाई जा सकती हैं। तो आइए हम ये देखते हैं, और इसी प्रकार के सम जो है 62 मान लीजिए है, 62 का क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ 3 × 62 का स्क्वायर और × 12 है, 12 है, और यहाँ पर प्लस 3 × 62 × 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका 12 का क्यूब है, −12 लगा दीजिए, −12 का क्यूब है, ठीक है, −12 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 125000। यस, कैसे आंसर आएगा देखिएगा, कैसे आएगा, देखो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी है, आप जानते हैं ए क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab² और −b³, ये आपकी आइडेंटिटी है, और इसका आंसर है a − b³। ये आपने लर्न करनी है स्टूडेंट्स, अगर आप लर्न कर गए और कभी नहीं बोलेंगे, आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी अच्छे ढंग से। तो ये इसका आंसर कैसे आएगा बताए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ए क्या है इसमें, ए 62 है तो यहाँ पर 62 लगाएंगे, और बी क्या है आपका 12 है, तो 12 हो जाएगा ये, है ना। तो 62 माइनस 12 क्या हो गया, ये 50 हो जाएगा, 50 का क्यूब हो जाएगा, और 50 का क्यूब क्या होगा 125000। यस, तो आप देख रहे हैं कि हमने किस प्रकार से आइडेंटिटी से ये सम किया। यस, और इन्हें ये आप आइडेंटिटी इसी प्रकार से जब यूज करेंगे तो ये जो आइडेंटिटीज हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है इन आइडेंटिटीज के द्वारा, हम केवल विलोकनम, वैदिक मैथमेटिक्स में कहते हैं विलोकनम, केवल देख करके ही आंसर निकालना है। अगर हम देखते ही आंसर निकाल पाएंगे तो हमारे जो सम जो होंगे वो कितने फास्ट हो जाएंगे और कितनी जो है हम टाइम इसमें बचा पाएंगे, टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होगा यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ 67 का स्क्वायर और −17 का स्क्वायर, और नीचे लिखता हूँ मैं 67 + 17, तो आप आंसर डायरेक्ट 50 लिखेंगे। यस, डायरेक्ट आंसर 50। यस, कैसे आएगा देखिएगा, डायरेक्ट 50 कैसे लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप देखिए, आप जानते हैं a² − b² की आइडेंटिटी है ना, और नीचे a+b है, ये आपका नीचे a+b है, तो 67 आपका जो है इसका आइडेंटिटी के अनुसार एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, एक बार माइनस किया और एक बार प्लस कर दिया, आप जानते हैं ऑलरेडी ये आइडेंटिटी, और नीचे जो है आपका प्लस ही लिखा हुआ 67 + 17, राइट, है ना, ये कैंसिल हुआ, तो ये आंसर क्या हुआ 50। तो ये इस प्रकार के जो सम है आप देखते ही कर पाएंगे, यानी माइनस किया तो आपका जो आंसर है वो 50 आ गया, तो ये केवल हम देखते ही इसका आंसर करेंगे। तो इसी प्रकार से और भी हम ले सकते हैं, देखिएगा कैसे, मान लीजिए आप ले रहे हैं यहां पर 123 का जो स्केयर है और प्लस में 467 का स्केयर है, यस, और नीचे जो है आपका 123 माइनस आपका है 467, यस 467 ये है, तो यहां पर माइनस लगा लीजिए, माइनस है यहां पर, माइनस प्लस नहीं आएगा क्योंकि आइडेंटिटी में यहां पर माइनस होता है यहां पर, राइट। तो आइए
अब देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट। इसका जो आंसर है वो होगा, कितना आंसर होगा, 600 आ जाएगा। ये 600, आप देखो ये कहेंगे ये कैसे हो रहा है आंसर। अरे भाई आप जानते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें, तो प्लस ही करेंगे क्योंकि माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 600 ही आएगा, क्योंकि माइनस तो नीचे है, कैंसिल हो गया, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो है ये सॉरी यहाँ 123 है, तो ये आपका 600 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस प्रकार की जो आइडेंटिटी हैं इनको आप जो है आइडेंटिटी को अच्छी तरह से, इनको जो जितनी भी आइडेंटिटीज इसमें वीडियो में बताई गई हैं आप उनको एक पेज पर लिख लें और बार बार इस प्रकार की आइडेंटिटीज के सम करें, तो इस प्रकार की आइडेंटिटीज के बहुत आपके एग्जामिनेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं इस प्रकार के सम जरूर आते हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उसके बेस पर सम करना। हम वैसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा, यस, तो हम क्यों ना इनका आइडेंटिटीज का फायदा उठाएं। तो आइए हम इन आइडेंटिटीज का फायदा उठाते हुए और इन सम को बड़ी फास्टली करें और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए, आइडेंटिटीज को रिवाइज करते रहिए, और अगली वीडियो में और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आपके समझ आएंगे। सबको मेरी नमस्ते।